और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आदित्य L1 की। इसरो के मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 सूर्य की तरफ उड़ान भरेगा। चुनौतियां कई हैं, लेकिन मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की नई छलांग। मिशन चंद्रयान 3 के बाद इसरो के वैज्ञानिक एक और इतिहास रचने को तैयार हैं। चांद के बाद अब मिशन सूरज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV-XL रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 की तमाम तकनीकी बारीकियों पर डिटेल रिसर्च हो चुका है। इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च करने की रिहर्सल प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। अब बस इंतजार है तो 2 सितंबर का, जब घड़ी की सुइयां 11:50 पर रुकेंगी और भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष विज्ञान में नए अध्याय लिखने की शुरुआत करेगा। So we are just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. Thank you so much for all the support and work that you are doing. चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित लोगों के मन में सूर्ययान से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे सन मिशन आदित्य L1 का मकसद क्या है, ये सन मिशन सफल रहा तो फायदा क्या होगा, आदित्य L1 से हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूं तो सूर्य मिशन के ऐलान के बाद से ही लगातार ऐसे सवाल उठ रहे थे, मगर जैसे जैसे डी डे करीब आता जा रहा है, लोगों के सवालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और भारत के वैज्ञानिक एक एक कर इन तमाम सवालों का जवाब आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्च में करीब 7 पेलोड्स जा रहे हैं, मतलब जो अलग अलग चीज़ें स्टडी करेंगे, हज़ारों किलोमीटर दूर तक वो सोलर फ्लेयर्स जाते हैं, वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। और L1 पॉइंट ऐसा है जहाँ से आप काफ़ी पास से विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन सन का मिल सकता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर कम्युनिकेशन, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रेडियो एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच यूजेस दी सोलर एनर्जी पर से। जाहिर है 2 सितंबर को PSLV-XL रॉकेट के जरिए 11:50 पर एक बार फिर पूरे देश और दुनिया की निगाहें भारत के श्रीहरिकोटा पर होंगी, जब आदित्य L1 अपनी यात्रा का शुभारंभ करेगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट पर 4 महीने बाद स्थापित होगा, यानी इसकी यात्रा 4 महीने तक जारी रहेगी और ये 15,00,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा और फिर लैंग रेंज पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। सवाल ये भी है कि सूर्ययान को L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। काफी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है, तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से। इतना ही नहीं, इसरो का कहना है कि ये सैटेलाइट L1 पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। अब आपको बता दें कि आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की वजह क्या है, आखिर हेलो ऑर्बिट से क्या करेगा आदित्य L1? वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्ययान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने, सूरज के वायुमंडल की जानकारी और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। दरअसल पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे अहम हिस्सा है और ये धरती पर जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। इसरो के सन मिशन से वैज्ञानिकों को ये जानने में भी मदद मिलेगी कि सूर्य हमारे सौर मंडल और पृथ्वी पर कैसे प्रभाव डालता है।
आदित्य L1 अंतरिक्ष में भारत की आंख के तौर पर काम करेगा और सूरज के प्रकोप से धरती की रक्षा करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि सूरज की स्टडी में इसमें होने वाली हर हलचल का हमें पहले से ही पता चल जाएगा। हालांकि कुछ रोबोटिक अंतरिक्ष यान पहले से ही यह काम कर रहे हैं और अब आदित्य भी उनकी टोली में शामिल हो जाएगा। जाहिर है भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को स्पेस के सुपर पावर में शामिल कर चुके हैं और अब इसरो की सूरज के पास पहुंचने की कोशिश भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई दिशा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।